तो भाई आज हमारा टॉपिक है कि हम जब धागा डालते हैं, ऐसे धागा डाल दिया हमने, तो भाई ये जो है ऊपर धागा नहीं आ रहा, ठीक है, देखो आ नहीं रहा, फंस रहा धागा। तो भाई ये क्या कमी है? भाई ये ऐसा होता है जब हम शटल बांधते हैं, तो शटल बांधते हैं तो उसका जो स्टॉपर होता है ना भाई, मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉपर। तो भाई ये जो हमारा स्टॉपर है ना, ये स्टॉपर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये जो स्टॉपर है ना, हम शटल तो बांध देते हैं लेकिन स्टॉपर बांधने का हमें पता नहीं होता भाई। तो आज हमारा टॉपिक जो है भाई, इस स्टॉपर को सही से बांधने का टॉपिक है भाई, जिससे कि हम मतलब ये पता लगा सके कि ये जो हमने धागा हमने ऊपर उठाया है, तो ये धागा ऊपर क्यों नहीं आ रहा? तो भाई ये इसलिए नहीं आ रहा, ये जो स्टॉपर है ना, इसके अंदर यानी कटोरी में बिल्कुल टच है और इसके बीच में गैप भी नहीं है। इस स्टॉपर की जो घुंडी है, ये हमारी शटल से बिल्कुल टच होके लगी हुई है भाई। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं स्टॉपर शटल तो बांध देते हैं लेकिन स्टॉपर नहीं बांधना आता। तो भाई ये जो हमारी जो भी ये निकल रही है इसकी जो नोक है स्टॉपर की, जो कि बिल्कुल शटल में टच हो रही है। तो भाई आज हम यही बताते हैं कि स्टॉपर बांधना कैसे चाहिए। तो भाई आप कभी भी अगर स्टॉपर लगाओ नया है पुराना, तो मैं आपको उसी तरीके से बता देता हूँ कि स्टॉपर का टाइमिंग क्या होता है। तो चलो भाई अब स्टॉपर खोल के फिर बताते हैं। तो गाइस हम पैर और पटरी दोनों खोल लेंगे गाइस। तो गाइस देखो आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाए, तो मैंने क्या करा है, ये इसके दांते वाते इसकी लटे वटे सब खोल दिए गाइस। आप नहीं खोलना, आप सोचोगे अब मैं भी खोल देता हूँ, अगर आप खोलोगे तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये सब करा है। तो गाइस आप नहीं करना, खाली आप पटरी और ये पैर खोल लेना बस, ठीक है। तो चलो हम आगे बताते हैं। तो गाइस देखो ये जो स्टॉपर लग रहा है ना, ठीक है गाइस, मैंने जैसे बताया था। तो गाइस देखो ये जो हमारी कटोरी है ना, कटोरी से ऊपर इसकी घुंडी निकली है, ऊपर ये इससे ऊपर निकली हुई है हमारी घुंडी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा ये हमारा स्टॉपर, ऐसा निकल लगता है। तो ये जो हमारी घुंडी है ना, ये ऐसे निकली हुई है ऊपर थोड़ी सी, तो ये ऊपर नहीं निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल इसके बराबर में होनी चाहिए, ऐसे बराबर में, ठीक है गाइस। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा नीचे करूँगा, ऐसे नीचे करूँगा और फिर उसके बाद इसमें मैं इसके अंदर कम से कम इतना गैप रखूँगा गाइस। और ये गैप इसलिए रखेंगे गाइस, ये इसमें से धागा निकल जाए। और गाइस ये इतना दूर नहीं रखना हमें, इसकी नोक पे नहीं रखना, इसकी नोक पे, कटोरी की नोक पे, ये जो है गाइस ये हमें आधा रखना है, यानी आधा इसके अंदर रहना चाहिए। ये जो नोक है इसकी, स्टॉपर की जो नोक है गाइस, ये आधी हमारी इसके अंदर रहनी चाहिए शटल के अंदर, और आधी बाहर रहनी चाहिए, जिससे हमारा मोटे कपड़े पर चले तो ये कटोरी निकल के न भाग जाए। तो गाइस इस तरीके से हमें ये सेट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सेट करेंगे। तो गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्टॉपर को खोल के देखो, ये जो निकल रही है घुंडी, ये लग रही है इसके अंदर, है ना, तो इसकी वजह से हमारा शटल इसमें फंस रहा था, धागा भी निकल रहा था। अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो गाइस मैंने स्टॉपर खोल लिया है, अब देखो मैं इसके अंदर ऐसे बांधने का, ये इसकी पूरी जड़ मैंने देख लो बांध दी, इसकी जड़ पूरी बांध दी है। उसके बाद में हम ऐसे लेंगे थोड़ी और इसे हल्का सा पीछे कर देंगे। तो भाई ये तो हो सके इसको बराबर में हो गए समझ लेते भाई, आप इसी हिसाब से करना कि ज़्यादा दरगुन हो जाए, अगर हो जाए तो आप दोबारा से ऐसे इधर से मार देना, और ज़्यादा हो जाए तो जैसे आपने इधर से मारी पीछे करने के लिए, और पीछे समझ लो ज़्यादा चलेगी तो आप ऐसे ये जड़ में ऐसे हमारे चाबी का भी इस्तेमाल कर सकते भाई। उसके बाद में गाइस ये जो है हमारा, ये जो है गाइस हमारा नोक के अंदर बिल्कुल टच था, नोक में मतलब इसकी कटोरी के गड्ढे में अंदर तक टच था। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर को निकालेंगे बाहर को। तो भाई देखो फिर हम इस तरीके से बांधेंगे इसे, ये देखो गाइस हमने इस तरीके से बांध दिया। फिर हम क्या करेंगे गाइस, ये चाबी उठाएंगे बड़ी सी, यानी छोटे कदम की चाबी उठाएंगे, सोलह लंबा था, जल में मारेंगे चाबी। देख लो गाइस आप नकल कर सकते हो, मैंने कहाँ रखी चाबी, ऐसे आप करके हल्का सा ऐसे मार दोगे। अब हम स्टॉपर लगा के देखते हैं गाइस। तो गाइस देखो आप देख सकते हो, अब देखो शटल भी चल रहा है फिर ही, ठीक है गाइस, और देखो इसके अंदर गैप भी आ गया। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने कितना गैप रखा है, कितना गैप रखना गाइस, कि अगर हम मोटे कपड़े पर रखें तो हमारी ये कटोरी निकल के ना भाग जाए, तो हमारा आधी घुंटी अंदर रहेगी इसके और आधी घुंटी इसके बाहर रहेगी। तो गाइस कुल मिला के ये है कि इसके अंदर स्पेस रहना चाहिए। आप सोचो कि इसके अंदर स्पेस ना हो तो गाइस ये तो उसका गलत टाइमिंग है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल बढ़िया स्टॉपर खोल के मैं आपको बताता हूँ, देखो कि इस तरीके से बनती जगह गाइस, ये हम स्टॉपर ना ऐसे सरका देंगे। ये गाइस इतनी फर्स्ट क्लास सिलाई आने वाली है आपकी, और देखो मैंने टाइट कर दिया गाइस,
ये देखो गाइस, समझ गए ना गाइस, ये 75% हमारी जगह लेफ्ट राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए और राइट में होनी चाहिए 25%। गाइस आप शटल जब स्टॉपर ऐसे बांधोगे ना तो आपकी सिलाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी। देखो मैंने स्टॉपर के बारे में बताया था तो स्टॉपर आपके समझ में आ गया होगा। देखो आप नीचे से भी देख सकते हो गाइस, ये जो हमारे नीचे देखो इसमें स्टॉपर के बीच में दिखाई दे रही ना जगह, तो भाई ये जगह बहुत ज़रूरी है, इससे क्या साफ धागा निकलेगा। ऊपर दूसरा काम यहाँ ये था नीचे का कि इसमें इधर को उल्टे हाथ की तरफ इतनी जगह रहनी चाहिए गाइस, जैसे कि 70% इधर और 30% इधर, या 25% कर लो या 75% कर लो। स्टॉपर का बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग है गाइस, आप कहीं पर भी फंस नहीं सकते जब शटल बांधोगे तो। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ये शटल की आवाज़ और दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद सिलाई चेक करेंगे। तो भाई जब हम पटरी बांधेंगे ना तो हमारे जो सुराख है अगर लेफ्ट राइट हो रही हो पटरी, जैसे कि हमारे जो सुई है कि देखो इधर जाते जा रही है, तो हम इधर को ऐसे सरका सकते गाइस जैसे, ठीक है। और पटरी खोलने से पहले आप चेक कर लेना हमारी सुई जो है पटरी के सुराख में बीच में है किधर है, तो भाई इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर बीच में है तो बीच में कर देना, लेफ्ट राइट कर देना, पटरी को सरका देना, और अगर सही है तो ठीक है। तो भाई अब इसकी हमने सारा सामान बांध दिया है और आप सिलाई चेक कर दे गाइस। तो गाइस देखो मैंने धागा डाल दिया है और अब मैं डिब्बी लगाता हूँ इसके अंदर। तो गाइस देखो मैंने डिब्बी लगा दी, अब मैं धागा निकालता हूँ उसका। तो गाइस देखो कितने प्यार से धागा आ गया है, आप देख सकते हो गाइस, पहले धागा भी ऊपर नहीं आ रहा था स्टॉपर के गलत लगाने से। तो आपको सिलाई चेक करके दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस देखो अब हमने लगा लिया है, अब चेक करेंगे सिलाई। तो गाइस देखो कितनी साफ सिलाई आ रही है इसकी, आप देख सकते हो गाइस। और देखो मैंने जैसे बताया था सुई नीचे रख के हम कपड़ा मोड़ेंगे, तो इस तरीके से आपको ये सिलाई चेक करनी है गाइस। और देखो गाइस आप देख सकते हो गाइस कितनी फर्स्ट क्लास सिलाई आई है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा स्टॉपर बांधना, और भाई आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।